Hi everyone, assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today I'm going to make you people study about modernization theory, and it is a prominent framework within the field of comparative politics. तो इस थेरी के अंदर जो है ये प्रेजेंट की गई थी टू एक्सप्लेन अबाउट द सोसाइटल डेवलपमेंट, चेंज किस तरह होना चाहिए पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ एसोसिएटेड थी ये थेरी। इसका ओरिजिन जो है वो 20th सेंचुरी में हुआ, ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी, और दिस थेरी बेसिकली गेंड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द पीरियड दैट वॉज मार्क्ड बाई डीकोलोनाइजेशन। तो इमर्जेंस हुई थी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस की, कोलोनाइजेशन एंड हो गई थी, एंड दोज नेशंस वर सीकिंग पाथवेज टू प्रोग्रेस। तो डेवलपमेंट कैसे करनी है, ये थेरी जो है इन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है। तो कमिंग डायरेक्टली ऑन टू द टॉपिक, सो मॉडर्नाइजेशन थेरी जो है इट एक्सप्लेन्स दैट सोसाइटीज़ जो हैं वो इवॉल्व होती हैं थ्रू प्रेडिक्टेबल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी इंटरेस्ट क्या होगा कि स्टेट्स आर ड्रिवन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। जाहिर बात है हर स्टेट को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, दे हैव टू परसू इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल चेंज होना चाहिए, कल्चरल चेंज होना चाहिए, और हर तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। तो ये थेरी सजेस्ट करती है कि सोसाइटीज़ जो हैं दे अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, एंड दे एक्सपीरियंस शिफ्ट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोसाइटल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये भी बताता है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं दे वुड नेचुरली फॉलो दिस पाथ। ठीक है, तो नेचुरली फॉलो करेंगे तो इट वुड कल्मिनेट इन अ वेस्टर्न स्टाइल लिबरल डेमोक्रेसी। बैकग्राउंड में आप लोग को बता देती हूँ, तो मॉडर्नाइजेशन थीरी जो है इट गेंड प्रोमिनेंस बिटवीन 1950s एंड 1960s। तो अब अगर आप लोग टाइम को नोट करें तो दिस वाज द टाइम व्हेन कोल्ड वॉर टेंशंस वाज हैपनिंग, इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म था, स्पेसिफिकल हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस थे, पोस्ट कोलोनियलिज्म हो रहा था। तो ये चीज़ें थी जो मतलब मॉडर्नाइजेशन थीरी जो है इट वॉज फ्यूल्ड बाई दीज इंसिडेंट्स। फिर स्टडिंग अबाउट द रुस्टोज रोल, तो ही वॉज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वॉल्ट रुस्टो, एंड ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग द थेरी थ्रू हिज 1960 बुक, जो कि उसका नाम था द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्टिक मैनिफेस्टो। ठीक है, तो इस बुक के अंदर जो है ही बेसिकली एक्सप्लेन द लीनियर मॉडल, के इसने एक लीनियर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज किया था जो कि 5 स्टेजेस में फर्दर डिवाइडेड है। मतलब फर्स्ट स्टेज जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, फिर प्री कंडीशंस फॉर द टेक ऑफ, थर्ड में जो है फिर टेक ऑफ, एंड देन फोर्थ डिस्क्राइब्स द ड्राइव टू मेच्योरिटी, हाउ स्टेट्स बिकम मेच्योर, हाउ द सोसाइटी इज इवॉल्व, और जो लास्ट स्टेज है वो डिस्क्राइब करता है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो ये स्लाइड मैंने बाद में ऐड की हुई है आगे जाकर। तो ये स्टेजेस जो हैं वो दे आउटलाइन द कोर टेनेट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन थेरी, और ये एक यूनिवर्सल पाथ बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं रुस्टो का जो थेरी है, 5 स्टेज मॉडल थेरी जो थी, तो टूवर्ड्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स डिवेलपमेंट जो है ये यूनिवर्सल पाथ को डिस्क्राइब करती है। So studying about the reasons for presenting the modernization theory, तो जो there are several key factors that converged in the mid 20th century that led to the emergence and popularity of the modernization theory. तो post colonial landscape था, तो मतलब following the World War II decolonization wave आई थी, and that created numerous newly independent states that were seeking development models. तो development models नहीं थे third world countries के साथ या newly developed independent countries के साथ, तो modernization theory जो थी और modernization theory का जो core emphasis था वो यही था कि western style progress होनी चाहिए in newly independent states के अंदर, जो कि it would resonate with the aspirations of these nations. ठीक है, कोल्ड वॉर टेंशंस चल रही थी, आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल थी, आप सबको पता है कोल्ड वॉर के बारे में, एक तरफ यूएसए था, वेस्ट थी, दूसरी तरफ यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, जो कि फ्यूल्ड इंटरेस्ट थे इन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट पाथवेज। तो मॉडर्नाइजेशन थीरी इस तरह पोजिशन की गई एज अ पाथ टूवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड अवे फ्राम द कम्युनिज्म, क्योंकि अगर आप लोग वॉल्ट रुस्टो का मॉडल देखें, सो ही इज़ एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। ठीक है,
उसने ये मॉडल प्रेजेंट किया था कि डेवलपमेंट होनी चाहिए टुवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड अवे अलूफनेस फ्रॉम द कम्युनिज्म, ठीक है। तो फिर वेस्टर्न ब्लॉक के साथ जो है अलाइनमेंट होनी चाहिए, इस तरह की इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म जो था, तो पोस्ट कोल्ड वॉर का जो पोस्ट वॉर का जो एरा था, तो इट विटनेस्ड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, बिलीफ इन प्रोग्रेस एंड यूनिवर्सल डेवलपमेंट मॉडल था। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को जो है इस ऑप्टिमिज्म के साथ अलाइन किया गया था बिकॉज पोर्ट्रेइंग डेवलपमेंट एज अ प्रेडिक्टेबल अचीवेबल, और ये सब कुछ कैसे हो सकता है कि स्टेज बाय स्टेज होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। अर्ली डिवेलपमेंट स्टडीज़ जो थी, तो स्कॉलर्स लाइक वॉल्ट रुस्टो एंड टैलकट पार्सन एंड डैनियल लर्नर जो थे, दे बेसिकली लेट द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। उनकी स्टडीज़, उनकी जितनी भी थ्योरीज थी ऑन द इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सोशल चेंज एंड कम्युनिकेशन, तो रुस्टो का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960 में जो उन्होंने बुक लिखी थी। टैलकट पार्सन का जो काम था वर्क ऑन सोशल सिस्टम्स, इट प्रोवाइडेड थेरेटिकल फ्रेमवर्क्स, जिसने फिर फर्दर का कॉन्ट्रीब्यूट किया टू द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन का मेन थीम यही था दैट दे वर डीलिंग विद द क्वेश्चंस के लाइक व्हाई पुअर कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड दैट लाई विद इन दोज कंट्रीज themselves, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए इन्होंने थ्योरी प्रेजेंट की थी एंड दैट वॉज द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया था, काउंटर आर्ग्यूमेंट इस क्वेश्चन के अगेंस्ट, तो वो ये था कि इन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट जो है ये स्ट्रगल करते हैं अपनी डेवलपमेंट से, क्योंकि इनके बीच में ये जो है इनके कल्चरल सोशल और वैल्यू सिस्टम जो है ना, ये इनके इतने प्रोडक्टिव नहीं होते, दे आर नॉट कंड्यूसिव टू प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसेंशली फिर दे सजेस्ट दैट सर्टन बिलीव्स, कस्टम, सोसाइटल स्ट्रक्चर एक्ट एज बैरियर्स एंड दे आर हॉस्टाइल टू द डिवेलपमेंट। वो कहते हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं कल्चरल सोशल सोसाइटल कस्टम्स, जो बिलीव्स हैं इनके, ये हिंडर करते हैं इन नेशंस को from advancing economically and socially. So the major proponents who presented the theory of modernization, ये proponents हैं, ये contributors हैं, there are other contributors but the major one are these. So starting about the Walt Rostow, he was an American economist, a political theorist and perhaps he is best known for his influential work, और वो मैं आपको बता चुकी हूँ, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960 में इनकी किताब थी, और इन्होंने इस थ्योरी को आउटलाइन किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह होनी चाहिए एंड थ्रू द इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रपोज किया था एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको इन्होंने नाम दिया था लीनियर प्रोग्रेशन ऑफ स्टेजेस थ्रू विच सोसाइटीज़ एडवांस थ्रू मॉडर्निटी, ठीक है। तो इसने आइडेंटिफाई किया कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ कैसी होती हैं, फिर प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए, मेच्योरिटी की तरफ कैसे जाना चाहिए, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन कैसी होनी चाहिए, और इसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। Starting about the Talcott Parsons, so he was an American sociologist. He made significant contributions to modernization theory through his conceptualization of societal evolution. इन्होंने एम्फसाइज किया ऑन द रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस और फैसिलिटेटिंग मॉडर्नाइजेशन। इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया था कि स्टेट्स किस तरह स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन से दे अंडरगो एंड किस तरह ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न फॉर्म्स। तो पार्सन ने जो अपना वर्क प्रजेंट किया था अ सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटल चेंज एंड डिवेलपमेंट, इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। डेविड मैक्लेलैंड, सो ही वाज आल्सो एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड ही कंट्रीब्यूटेड टू द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, पर्टिकुलरली द रोल ऑफ इंडिविजुअल मोटिवेशंस एंड अचीवमेंट्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डैनियल लर्नर के बारे में पढ़ते हैं एंड उनका जो मेजर किताब थी एक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग द मिडल ईस्ट, तो इसने फोकस किया था कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन के ऊपर और कहा था कि मीडिया और एजुकेशन किस तरह दे प्ले अ क्रूशल रोल इन शेपिंग मॉडर्न वैल्यूज। तो ये था कल्चरल वैल्यूज एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब किया था। फिर एवरेट रॉजर्स के बारे में पढ़ते हैं, ये कम्युनिकेशन स्कॉलर थे एंड रॉजर्स जो है ही कंट्रीब्यूटेड टू द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थीरीज एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन स्प्रेडिंग मॉडर्न आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी।
core assumption and characteristics के बारे में पढ़ते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट द लीनियर प्रोग्रेशन. इसका मतलब है कि किस तरह सोसाइटीज़ दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोग्रेस थ्रू अ डिस्टिंक्ट स्टेजेस. ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल होती है, फिर किस तरह स्टेज बाय स्टेज ट्रांजिशन होती है टू द मॉडर्न फॉर्म्स. सोसाइटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, ये किस तरह एवोल्यूशन उनका प्रोसेस जो होता है वो किस तरह होता है. तो इसका जो कोर अजम्पशन एक था दैट वॉज अबाउट लीनियर प्रोग्रेशन. देन दे टॉक अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है, इट एम्फेसाइज़ ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ. वो कहती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए. जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, दे शुड अडॉप्ट द एडवांस टेक्नोलॉजीज. देन दे also talks about a domain that is related to institutions. तो वो कहते हैं यहाँ पर जो है ना वो तो वो वेस्टर्न बाइसनेस है. वो कहते हैं कि adoption of the western style institution होना चाहिए, including democracy, market oriented economies and legal systems. Another basic feature is the cultural transformation. और वो कहते हैं कि मतलब सोसाइटीज़ को जो है अपने कल्चर को साइड बाय साइड जो है इन्हांस करना चाहिए. दे शुड मोल्ड देयर कल्चर, दे शुड मोल्ड देयर नॉर्म्स टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. क्योंकि ये एक डायनामिक प्रोसेस है. मॉडर्निटी जो है इवेंचुअली आ ही जाती है एक स्टेज के ऊपर, एक स्टेज में. तो वो ये कहते हैं कि देयर शुड बी एंटिसिपेशन ऑफ अ शिफ्ट ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स एज सोसाइटीज मॉडर्नाइज स्लोली एंड ग्रेजुअली. फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का कहते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस दिया हुआ ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस इन ड्राइविंग डेवलपमेंट. वो कहते हैं यही एक तरीका है कि सोसाइटीज़ जो है वो मॉडर्न हो सकती हैं. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा आएगी तो उतना ज़्यादा जो है एक सोसाइटी जो है मॉडर्नाइज होगी, और इसी तरह जो है डेवलपमेंट का प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट होगा. And then they talk about the global convergence. So वो कहते हैं कि ये जो societies हैं ना they would eventually converge to a similar modern model जो है. ठीक है, कि सारी societies अगर technological innovations लाएँ, cultural transformation लाएँ, institutions को जो है western style कर दे, तो eventually global convergence जो है हो ही जाएगी towards a similar modern model. ठीक है. Then they talk about education and mass communication. So कहते हैं कि education और mass media जो है ना ये crucial agents हैं of a change. अब तो जो जैसे government के pillars होते हैं ना, जैसे judiciary, legislature, executive, अब तो media को भी जो है एक fourth pillar माना जाता है. Because that is a very important and a crucial agent of change. क्योंकि media के through ही you know awareness पता चलती है, news का पता चलता है, people are updated of day to day life routine सब कुछ. तो education और mass communication का बहुत ज़्यादा emphasis डाला है modernization theory के अंदर, के these are the tenets that take societies, that leads the societies towards modernization. Impediments to development. तो Talcott Parsons जो है he characterized many indigenous practices. वो कहते हैं कि institutions जो हैं they are utterly hostile towards progression of a state or society that hinders the development of the society. ठीक है, impediments मतलब जो obstacles होते हैं. ठीक है, तो जो points उन्होंने बताए हैं वो कहते हैं कि एक जो feature है collectivism का, मतलब particularly एक class को अगर आप उठा लें और उसके ही interest को आप प्रोमोट करें तो इवेंचुअली जो है एक द अदर क्लास वुड गेट निगलेक्टेड. ठीक है, तो मतलब कलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ रिलेटेड टू द कलेक्टिविज्म, मतलब पर्टिकुलरिज्म. ठीक है, अब पर्टिकुलरिज्म को आप इस तरह समझते हैं जैसे कि एक फील्ड को जो है उठाकर डेवलप नहीं करना चाहिए. सोसाइटीज़ को एज होल जो है डेवलपमेंट का स्टेज होना चाहिए उनके अंदर, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है एज अ होल होनी चाहिए, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर क्लास, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर फील्ड, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. द थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन. तो ठीक है, वुमेंस को जो है डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए. दे आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो अगर आप एक सोसाइटी के अंदर से, स्टेट के अंदर से वुमेन का फैक्टर बिल्कुल निकाल रहे हैं, एक सेक्ट बिल्कुल निकाल रहे हैं, सेक्शन, तो हाउ योर सोसाइटी वुड प्रोग्रेस.
तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए. सो दीज आर द बैरियर्स टू द इम्पेडिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट. फिर फैटलिज्म एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस है, तो मतलब इन चीज़ों को जो है अवॉइड करना चाहिए. दीज आर हॉस्टाइल टू द प्रोग्रेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड डिवेलपमेंट ऑफ अ स्टेट या सोसाइटी. ठीक है, वो कहते हैं प्रोग्रेस किस तरह होना चाहिए. प्रोग्रेस इस तरह होना चाहिए कि यूनिवर्सलिज्म का फैक्टर होना चाहिए. ठीक है, सब को मिलाकर, हर सेक्शन को, हर एक्टर को, हर इंस्टीट्यूशन को, एवरी फील्ड, एवरी डोमेन शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. एवरी ह्यूमन बीइंग, वेदर मेन और वुमेन, तो इन चीज़ों को उठाकर लेना चाहिए. सेकंड पॉइंट टॉक्स अबाउट मेरिटोक्रेसी, के जब जहाँ पे मेरिट होगा वो सोसाइटी, वो स्टेट जो है डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, वो जो है मॉडर्नाइज होगी, वहाँ पे जस्टिस प्रिवेल करेगा, एंड दैट वुड बी अ सोसाइटी दैट वुड बी जस्ट. रुस्टोस, वॉल्ट रुस्टोस फाइव स्टेज मॉडल, तो इन्होंने मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी के अंदर एक अपना मॉडल प्रेजेंट किया था और कहा था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है ना वो इस तरह होती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनके स्टेजेस इस तरह होते हैं. तो जो फर्स्ट स्टेज है वो है एट दिस इज़ द इनॉग्रल स्टेज, मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है स्टेज वन में. तो दैट इज़ कैरेक्टराइज बाई सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, लिमिटेड ट्रेड होता है, ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी बेसिक, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होती है, ये होते हैं. अब हम बात कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की या डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, बिल्कुल इनॉग्रल स्टेज होता है. ठीक है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेसिक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल स्लो है, लिमिटेड ट्रेड है और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक कंट्री का. द सेकेंड स्टेज इज़ द ट्रांजिशनल स्टेज, या आप इसको कहते हैं प्री कंडीशंस फॉर द टेक ऑफ. ठीक है, तो ये स्टेज जो होता है इसमें थोड़ी सी इमरजेंस दिखाई जाती है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, थोड़ा सा इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट होती है इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. सोशल पॉलिटिकल क्लाइमेट जो होता है वो एक थोड़ा सा कंड्यूसिव हो जाता है. ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ. द सेकंड स्टेज इज़ अबाउट द टेक ऑफ स्टेज. ठीक है, तो वॉल्ट रुस्टो ने कहा कि दिस इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, इट इज़ ऑफन ड्रिवन बाय अ लीडिंग सेक्टर लाइक टेक्सटाइल एंड स्टील, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं टेक ऑफ स्टेज के अंदर, जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाती है. अभी हम थर्ड स्टेज पे हैं. ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्स होल्ड, न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं दे आर अडॉप्टेड, तो कंट्रीज जो है वो एक टेक ऑफ की पोजिशन में होता है. द फोर्थ स्टेज इज़ अबाउट ड्राइव टू मेचोरिटी. ठीक है, टेक ऑफ के बाद डायरेक्टली ड्राइव टू मेचोरिटी. वॉल्ट रुस्टो कहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है और बियॉन्ड द लीडिंग सेक्टर. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाती है, इट बिकम्स वेरी मच सोफिस्टिकेटेड, लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं लोगों के राइज हो जाते हैं, इनकम इनइक्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा जस्टिस एंड इक्वालिटी आने लग जाती है, तो सोसाइटी जो है वो इवेंचुअली मेच्योर होने लग जाती है. ठीक है, बहुत कहाँ पे ट्रेडिशनल स्टेज था जो फर्स्ट इनॉग्रल स्टेज था, और अब सोसाइटी कहाँ पहुँच गई, स्टेट कहाँ पहुँच गया, इट इज़ ऑन द ड्राइव टू मेचोरिटी. द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेज टॉक्स अबाउट एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन. तो ये वाला जो सर्विस होता है, सेक्टर बिकम्स वेरी डोमिनेंट, कंज्यूमर गुड्स जो हैं वाइडली अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है दे कंटिन्यू, और फिर उसके बाद जो है फोकस होता है ज़्यादा सोशल वेलफेयर इमरजेंस पे. ठीक है, तो ये हाई मास कंजम्पशन होती है, दिस इज़ आफ्टर द ड्राइव टू मेचोरिटी. ये फाइव स्टेजेस जो हैं रुस्टो ने डिस्क्राइब किया. हाउएवर इसके भी फिर क्रिटिसिज्म मैं आपको बता देती हूँ, वो इस तरह है कि ये यूरोसेंट्रिसिज्म है. ठीक है, अब मॉडल जो है ना वो वेस्टर्न डेवलपमेंट के बारे में बताता है, एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, जो कि विच आर नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है उनकी हिस्टोरिकल लेगेसी कुछ और है, कल्चरल नॉर्म्स उनके कुछ और हैं, तो मतलब यूरोसेंट्रिसिज्म. ठीक है, यूरोपियन स्टाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में वॉल्ट रुस्टो ने बताया हुआ है, तो विच इज़ नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, तो प्रैक्टिकलिटी इसकी इतनी नहीं है. बाकी लीनियरिटी के बारे में जो क्रिटिसिज्म है, तो इट प्रेजेंट्स के मतलब डेवलपमेंट जो है ना वो एक डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस है. ठीक है, इग्नोरिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन इवेंचुअली इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल कंट्रीज. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, लीनियरिटी नहीं है, यूनिवर्सैलिटी नहीं है इस मॉडल के अंदर.
और निगलेक्टिंग ऑफ द सोशल फैक्टर भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर, क्योंकि मॉडल जो है इट प्राइमरली फोकसेस ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप अगर इकोनॉमिक पे कर रहे हैं तो एक कंट्री के अंदर साइड बाय साइड सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं डेवलपमेंट के, वो इस रोस्टो के मॉडल में बिल्कुल निगलेक्टेड हैं, इग्नोर्ड हैं। तो इसीलिए दीज वर द थ्री क्रिटिसिज्म, मतलब यूरोसेंट्रिसिज्म, लिनियरिटी जो है, यूनिवर्सलिज्म जो है वो ये एप्लीकेबल नहीं है, और निगलेक्ट ऑफ द सोशल फैक्टर्स ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है वॉल्ट रोस्टो के मॉडल के ऊपर। द थ्योरीज रिस्पॉन्डिंग टू मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, तो ये जितनी भी थ्योरीज आई थी दे वर प्रेजेंटेड एज अ रिस्पॉन्स, एज अ क्रिटिक ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो की जो डोमिनेंस थी दैट वाज इन द मिड 20th सेंचुरी, ठीक है। तो बाद में आगे जाके क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था तो फर्दर थ्योरीज डेवलप हुई थी, और जो थ्योरीज थी उनने अपने अलग से फीचर्स बताए कि क्या क्या मॉडर्नाइजेशन में मिसिंग था, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ने तो बात की थी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज वर्सेस द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने एक सोल्यूशन दी थी टू द पावर्टी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। उसका एम एक ये भी था कि टू स्प्रेड अ स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियलाइज्ड एक कैपिटलिस्टिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट थ्रू द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज वर्सेज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात आ गई। तो मेन एस्पेक्ट्स जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के थे कि एक तो उसने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया कि एक्सप्लेनेशन दी कि लाइक व्हाई पुअर कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड, ठीक है। फिर एक सोल्यूशन दी उसके लिए, जो सेकेंड एस्पेक्ट था कि सोल्यूशन दिया अंडर डेवलप्ड के लिए, ठीक है, कि लाइक सोल्यूशन क्या होना चाहिए। इस पर फिर वॉल्ट रोस्टो का मॉडल ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी है डेवलपमेंट का, और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है फर्दर एक्सप्लेन उसने किया कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वो क्यों अंडर डेवलप्ड है, वो इसलिए अंडर डेवलप्ड है क्योंकि उनके अपने कल्चरल बैरियर्स हैं टू द डेवलपमेंट। ये एक कोर है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का। अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी या व्हाट इज़ द मेन क्रक्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, तो आप उनको सिंपली कह सकते हैं कि इट एड्रेसेस द क्वेश्चन के व्हाई पुअर कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड। सेकेंडली उसने जो सोल्यूशन प्रोवाइड की थी उसने इम्पेडिमेंट्स डिस्क्राइब किए थे टू द प्रोग्रेस, ठीक है, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स टू द प्रोग्रेस। तो उसने बताया कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने बताया कि क्यों कंट्रीज इन द एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ये क्यों अंडर डेवलप्ड है, तो आंसर उसका दिया था इसलिए अंडर डेवलप्ड है क्योंकि इसके कल्चरल बैरियर्स हैं, ठीक है, सोशल कल्चरल बैरियर्स हैं, नॉर्म्स हैं। तो इसीलिए आर्ग्यू किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज इसीलिए अंडर डेवलप्ड हैं क्योंकि इनके अंदर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं विच आर होल्डिंग दम बैक, ठीक है, विच आर नॉट लेटिंग दम टू ब्रेक द चेंज ऑफ द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिर क्रिटिसिज्म क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने आपको पिछली उसमें बता दिया है कि जो यूरोसेंट्रिक मॉडल था ना, वेस्टर्न स्टाइल्ड डेमोक्रेसी या स्ट्रक्चर जो है वो हर जगह में अडॉप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि हर कंट्री के नॉर्म्स अलग हैं, हर कंट्री की हिस्ट्री अलग है, हर कंट्री के सेटअप स्ट्रक्चर जो है अलग है बिल्कुल, उसके इंटरनल फैक्टर्स अलग हैं, उसके एक्सटर्नल डेंजर्स एंड थ्रेट्स अलग हैं, ठीक है। तो ये इसलिए जो है अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। खैर एनी हाउ इसके ऊपर जो है फर्दर क्रिटिसिज्म हुआ था और बहुत ज़्यादा थ्योरीज प्रेजेंट की गई थी। द फर्स्ट वन इज़ द डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी ने ये क्वेश्चन एड्रेस किया कि नहीं, हमेशा इंटरनल फैक्टर्स मतलब कल्चरल और ट्रेडिशनल नॉर्म्स या बायस बेसिस जो है वो नहीं हो सकती रीजंस फॉर द अंडर डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं और वो है कि पेरिफ्री और कोर का रिलेशन उन्होंने बताया था कि किस तरह कोर मतलब डेवलप कंट्रीज और पेरिफ्री मतलब जो गरीब कंट्रीज होते हैं, ठीक है, तो किस तरह डेवलप कंट्रीज या रिच कंट्रीज हाउ द कोर कंट्रीज आर एक्सप्लॉइटिंग द पेरिफ्रीज, ठीक है, थ्रू अनइक्वल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस। इस पर मैं वीडियो बना लूँगी, दूसरी डिपेंडेंसी थ्योरी पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी, सो डू वॉच दैट एज वेल। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ने जो है इवेंचुअली चैलेंज किया मॉडर्नाइजेशन के फोकस को, क्योंकि उसका फोकस तो इंटरनल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट पे था और उन्होंने निगलेक्ट किया था एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे। फिर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आई एज अ रिस्पॉन्स टू द क्रिटिक ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के मुताबिक जो है ना, ये वो दुनिया जो है ना, ग्लोबल वर्ल्ड, ये एक सिंगल कैपिटलिस्ट सिस्टम है और इसके अंदर हायरार्की बनी हुई है कि कोर नेशंस जो है वो ऊपर है, पेरिफ्री जो है वो नीचे हैं, और किस तरह जो है अंडर डेवलपमेंट इज़ हैपनिंग, इट इज़ परपेचुएटिंग
द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द पेरिफेरी नेशंस, ठीक है। तो ये एज अ रिस्पॉन्स टू द क्रिटिक आई क्यू के मॉडर्नाइजेशन थेरी का जो एम्फेसिस था वो इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स पे था, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे था, ठीक है। तो ये आई थी, फिर नियो मार्क्सिस्ट थेरीज जो है वो प्रेजेंट हुई थी एज अ रिस्पॉन्स टू मॉडर्नाइजेशन। तो जो उसका नियो मार्क्सिस्ट थेरी का जो फाउंडेशन है वो कहते हैं इट बिल्ड ऑन द मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड एक्सप्लॉयटेशन। सबको पता होगा मार्क्सिस्ट की थेरी किसके ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर बेस करती है, वो बुर्जुआ और प्रोलेटरेट का जो कॉन्सेप्ट है। तो नियो मार्क्सिस्ट थेरीज जो हैं उन्होंने कहा, मतलब ये अप्लाई की जाती हैं ग्लोबल पावर डायनामिक्स पे, जबकि मॉडर्नाइजेशन थेरी में ये चीज़ें बिल्कुल निग्लेक्टेड थी। उन्होंने पावर इम्बैलेंसेस की बात नहीं की थी, क्लास स्ट्रक्चर्स की बात नहीं की थी कि किस तरह ये चीज़ें भी जो हैं शेप करती हैं टूवर्ड्स द डिवेलपमेंट, ठीक है। फिर पोस्ट डिवेलपमेंट थेरी एक आई थी, उसका जो सेंट्रल टेनेट था वो तो यही था कि इट रिवॉल्व्ड अराउंड द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि इम्पोज्ड बाय द वेस्टर्न मॉडल्स। उन्होंने एडवोकेट किया फॉर द अल्टरनेटिव लोकली फोकस्ड अप्रोचेस जो कि प्रायोरिटाइज करते हैं जाहिर है वेल बींग और सस्टेनेबिलिटी को। तो ये भी एज अ रिस्पॉन्स टू चैलेंजिंग द मॉडर्नाइजेशन थेरी आया था। तो जो पोस्ट डेवलपमेंट थेरी आई थी उसने कहा कि लोकली फोकस्ड अप्रोचेस को देखना चाहिए जो कि वेल बींग को प्रमोट करते हैं। मॉडर्नाइजेशन थेरी में ये निग्लेक्टेड थी। फिर ग्लोबलाइजेशन थेरी आई थी, उसका फोकस था कि किस तरह इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, ठीक है, और इसका किस तरह का इम्पैक्ट होता है ऑन डेवलपमेंट इकनॉमिक सोशल पोलिटिकल स्फेयर्स। तो मॉडर्नाइजेशन थेरी में जो थी ये चीज़ें आइसोलेशन में बात की गई थी, ठीक है, ग्लोबल फोर्सेस को निग्लेक्ट किया गया था, उनके इन्फ्लुएंस की बात नहीं की गई थी। फेमिनिस्ट थेरी आई थी एज अ रिस्पॉन्स टू क्रिटिक ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थेरी। तो मोस्टली जितनी भी डेवलपमेंट थेरीज हैं या जो भी हैं उन वो जो है ना दे मार्जिनलाइज वुमेन, ठीक है, वो दे फेल टू एड्रेस जेंडर इनइक्वालिटीज, दे फेल टू एडवोकेट फॉर द डिवेलपमेंट स्ट्रैटेजीज एंड एम्पावर वुमेन एंड एड्रेस देयर नीड्स। जो मॉडर्नाइजेशन थेरी जो थी वो तो जेंडर न्यूट्रल एजम्पशंस पे बात की गई थी, उसने बात की थी वैसे कि वुमेन जो है कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए वुमेन की। तो फिर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज आई थी, वो जो है दे टॉक अबाउट द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द डिवेलपमेंट ट्रैजेक्टरीज और किस तरह एक हिस्टोरिकल पावर इम्बैलेंस या कल्चरल लेगेसी जो शेप करती हैं कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट प्रोसेस को वो उनको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। पोस्ट कॉलोनियलिज्म का बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही। सिमिलरली फिर पोस्ट कॉलोनियल थेरी जो है एज अ रिस्पॉन्स टू आई मॉडर्नाइजेशन थेरी में, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन थेरी ने इन चीज़ों को बिल्कुल निग्लेक्ट किया था कि हिस्टोरिकल कॉलोनियलिज्म या ऑनगोइंग इफेक्ट्स जो हैं ये कितने ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट फॉर मीनिंगफुल डेवलपमेंट, ठीक है। उन्होंने तो बस बात की थी कि जो वेस्टर्न मॉडल है वो डायरेक्ट जो है अडॉप्ट किया जाए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, और फिर जो है उनको अपने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको अपने ट्रेडिशनल कल्चरल नॉर्म्स को ब्रेक करना चाहिए तो वो आगे बढ़ सकेंगी। क्रिटिसिज्म तो टाइम टू टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ इस पूरी वीडियो में। तो यूरोसेंट्रिसिज्म है, मतलब कि वेस्टर्न स्टाइल्ड डेमोक्रेसी या वेस्टर्न लेड सिस्टम जो है वो नहीं अडॉप्ट किया जा सकता, ठीक है, बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। कल्चरल बायस पे कल्चरल फैक्टर्स जो हैं ठीक है वो होते हैं, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक है। फिर अजम्पशन ऑफ द लीनियर पाथ, ठीक है, तो जो लीनियर प्रोग्रेशन है वो हर स्टेट में नहीं हो सकती उसी तरह, जो कि एक रुस्टो का मॉडल है। फिर है निग्लेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़, हाँ इन्होंने स्ट्रक्चर्स की बात बिल्कुल नहीं की भी। फिर इन्होंने कहा था मॉडर्नाइजेशन में कि ये वो थ्योरी है दैट फिट्स ऑल, तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच ये नहीं हो सकता। हर कंट्री की हिस्टोरिकल लेगेसी अलग है, पोस्ट कॉलोनियल इम्पैक्ट्स अलग हैं, जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो अलग है, हर स्टेट के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स बिल्कुल अलग हैं। ओवर एम्फेसिस ऑन द इंटरनल फैक्टर्स एंड उन्होंने निग्लेक्ट किया द एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल भी बहुत ज़्यादा बड़े फैक्टर्स हैं। दे हैव निग्लेक्टेड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, दे हैव फेल टू एड्रेस द इनइक्वालिटी और जियोपॉलिटिकल बायसनेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है। तो दीज वर द मेजर क्रिटिसिजम्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन थेरी। सो दिस मार्क्स द एंड, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डिड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मॉडर्नाइजेशन थेरी के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिपेंडेंसी थेरी को समझना, तो वो उस पर वीडियो बनाऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय।